हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉर्निंग के जो सबसे न्यूट्रिशियस जूस होता है ना, जिससे आपको काफी एनर्जी मिलती है सारा दिन, और आपका जो मतलब ब्लड है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी बॉडी में एक अलग सी ना, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना, एक्टिवनेस आ जाती है और आपका एचबी भी बढ़ता है। तो वो मैं जूस बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये गाजर, जिसको मैंने छील लिया है अच्छे से, और ये लिया है मैंने बीट रूट। ठीक है, तो बीट रूट को वॉश करके मैंने कट पीसेस कर लिया है। और ये लिया है मैंने पुदीना के कुछ लीव्स, ये लिया है थोड़ा सा सॉल्ट, और ये लिया है आंवला। तो फ्रेंड्स, इन सब का हमने जूस बनाना है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ हमें सारा दिन एक्टिवनेस और ताजगी देता है। तो चलो फ्रेंड्स, झटपट से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी चीजों को कट कर लिया है और मैंने जार में डाल के इसे ग्राइंड करूंगी। तो मैंने पुदीने को कट कर लिया है, देख रहे हो आप, चुकंदर है जो उसे कट कर लिया है, कैरेट है वो कट कर लिया है, आंवला है कट कर लिया है, और जो मैंने ये एक हाफ ग्लास पानी लिया है, मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि जो हमारा मतलब जब हम इसे ग्राइंड करें तो प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए, ये सॉल्ट गया हमारा, और बस इसे ग्राइंड कर देना है। तो गाइस, ये देखिए हमारा जो एक न्यूट्रिशियस जूस है वो हमारा रेडी है। और आप जानते ही हो, गाजर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, और आपकी आईज के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हर चीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अभी सर्दियों में गाजर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका यूज़ करें ताकि जो आपकी बॉडी है वो ये एनर्जेटिक ड्रिंक ले सके। और गाइस, रियल में इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, इवन बच्चों को भी आप पिलाओगे तो ये बच्चे भी पियेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं आप कैसे इसे हम निकाल रहे हैं ग्लास में। तो गाइस, ये देखिए मैंने विदाउट छाने ये पूरा रफेज के साथ लिया है। अगर आप इसे छान कर फिल्टर करके लेना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे चाय वाली छन्नी से छान के ले लिया है, और जो उसका रफेज है वो निकाल के अगर ऐसे लिया है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में जूस तैयार है। लेकिन मतलब जो आपके ये रफेज है, ठीक है ना, इसको फेंकना नहीं है। आप इसे आटे में गूंद सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, इवन पराठे भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं खाना तो इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो ये जो भी हमारा मतलब बोल सकते हैं ना, इसका गाजर का जो भी रफेज है, जो फाइबर्स है, ये बहुत ही यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो गाइस, इसका इस्तेमाल जरूर करें इस सर्दी में, अपने आप को एकदम रेडिश बनाएं, ठीक है ना, ताकि आपकी स्किन, आपकी जो बॉडी है वो सारे एक स्ट्रांग अलग से ही नजर आए। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।